कानपुर के रावतपुर, कल्याणपुर और मंदना स्टेशन आने वाले समय में मेट्रो स्टेशन बन जाएंगे, जहां यात्री नीचे टिकट खरीदेंगे और ट्रेन में यात्रा करने के लिए ऊपरी फ्लोर पर जाना पड़ेगा। वहीं अनवरगंज मंदना रूट के लिए एलिवेटेड होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई वर्षों से इस ट्रैक को हटाने की मांग की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर रेलवे को दी गई है। वहां से टीम सोमवार को कानपुर आई, जिसने सबसे पहले मंदना, फिर कल्याणपुर, रावतपुर और अनवरगंज का निरीक्षण किया। तो वहीं बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि रेलवे ने अनवरगंज मंदना रूट पर एलिवेटेड ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए 2017 से 18 के बजट में अनवरगंज से मंदना तक रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में 1779 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते यह कार्य शुरू नहीं हो सका। अभी 10 दिन पहले रेल मंत्री से मैं मिला हूँ, उन्होंने इसी वर्ष काम शुरू होने की बात कही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, लगातार मेरी बात चल रही है, जल्द इस काम को शुरू कराया जाएगा। आज हम लोगों द्वारा सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि हम लोग व्यापारी समाज लोग विगत 15-16 वर्षों से आंदोलन चलाए हुए हैं कि अनवरगंज से मंदना तक जो रेलवे ट्रैक है तो उसे हटाया जाए या एलिवेटेड किया जाए। उसी कड़ी में आज हमारे दोनों सांसद महोदय, कानपुर के सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी और माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी तथा पूरी टीम आज सर्वे के लिए आई। लगभग अंतिम मुहर लग चुकी है कि ये ट्रैक मंदना से लेकर के अनवरगंज तक एलिवेटेड कर दिया जाएगा, जिससे पूरे कानपुर के जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी और हम व्यापारियों का व्यापार कई गुना बढ़ेगा। जब जाम नहीं रहेगा तो क्षेत्र में निश्चित रूप से व्यापार कई गुना बढ़ेगा। इसके लिए आज हम सब व्यापारी भाइयों ने खुशी जाहिर की और दोनों सांसदों को तथा अन्य टीम को, कमिश्नरेट को, जिलाधिकारी महोदया को माल्यार्पण कर कल्याणपुर में विद्रोह किराए पर स्वागत किया। ये समस्या का निस्तारण किया जाएगा, कुछ बताया कि कब तक हो जाएगा? समस्या ये अंतिम रूप पर है बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये महीने दो महीने के अंदर इसको अंतिम मुहर लग जाएगी और बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। सांसद जी, कार्यक्रम रखा गया, वो कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम अब अनवरगंज से मंदना तक जो रेलवे लाइन है उसको एलिवेटेड बनाना है, उसके निरीक्षण का कार्यक्रम है। रेलवे की टीम आई हुई है, गोरखपुर से भी आई हुई है, बरेली से भी आई हुई है और यहाँ प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, डीएम हैं, बीसी के डीए हैं, अपर नगर अधिकारी हैं, कि ये देख रहे हैं कि ये बनेगा तो क्या क्या बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं को दूर करने के लिए क्या करना है। बस कानपुर के भीषण जाम की समस्या खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और रेल मंत्री के मार्गदर्शन में यह काम आपके मंदना टू अनवरगंज आपका होने जा रहा है, जिसकी डीपीआर बनाने के लिए हमारे अधिकारी, हमारे आयुक्त महोदय, हमारी जिलाधिकारी महोदय, हमारे आपके राजीव जी जो तकनीकी तौर पर इसके अध्यक्ष हैं, हमारे एडीआरएम महोदय गुप्ता जी, हमारे नवीन जी, सारे उनके अधिकारी केवल ये देखने आए हैं और तकनीकी तौर पर इन्हीं को काम करना है। कानपुर की भीषण की समस्या ये आपसे वादा है कि इसी वर्ष हमारे मंत्री जी का ये कहना है कि काम की शुरुआत कर देंगे, समय लगेगा लेकिन काम की वो शुरुआत कर देंगे। उसको देखने के लिए डीपीआर फाइनल कराने के लिए हम लोग आए हैं, हम लोगों के बीच और आज सबके सुझाव भी हैं, वो भी समझ में आ गए हैं और उसको हम लोग जल्दी लागू कराएंगे।